पूरे देश की 51 लोकसभा सीटों पर चुनाव जारी है, मतदान जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं होशंगाबाद के बजरिया क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। यहां पर होशंगाबाद के बजरिया प्राथमिक शाला में, प्राइमरी स्कूल में 4 पीढ़ी के लोग एक साथ वोटिंग करने पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। परिवार के सबसे बड़े, सबसे बुजुर्ग मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? श्री नारायण खंडेलवाल। खंडेलवाल जी, कितने लोग, कितनी पीढ़ी के लोग आपके साथ हैं? 5 पीढ़ी के लोग। 5 पीढ़ी के लोग हैं। कितनी उम्र है आपकी? 95 वर्ष। तो आप युवाओं से, पूरे देश के युवाओं से, महिलाओं से सबसे अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करता हूँ जी, वोट जरूर डालें। दूसरी पीढ़ी कौन सी है? दूसरी पीढ़ी में जी, क्या नाम है आपका? अमरचंद खंडेलवाल जी। मैं सब तो आह्वान कहता हूँ कि वोट जरूर करें, अपना मताधिकार प्रयोग करें, देश का भविष्य अच्छा बनाएं। देश का भविष्य अच्छा हो, देश सुरक्षित हो, वोट डालकर ये लोग पहुंचे। तीसरी पीढ़ी में अब हम चलते हैं। तीसरी पीढ़ी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नीतेश खंडेलवाल। इतने आपके बाबा, पिताजी, बाबा सब पहुंचे हैं वोट डालने, पूरा परिवार। वाकई में ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, इस भारतीय लोकतंत्र की। जी बिल्कुल, पूरे परिवार को मिलकर एक साथ इस राष्ट्र को निर्माण के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और जब हम एक साथ पूरे परिवार के लोग आते हैं तो अपने आप में गर्व महसूस होता है कि एक राष्ट्र की अच्छी सरकार बनाने में हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। चौथी पीढ़ी के युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट किया है आपने? हमने मेन हमारा ये था कि सुरक्षा सही हो, साफ सफाई हो, और हमने हमारे वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। हम सभी से ये बोलेंगे कि अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि पूरा परिवार यहाँ पर पहुँचा है, 4 पीढ़ी के, 5 पीढ़ी के लोग यहाँ पहुँचे हैं, और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और इस देश का भविष्य सुरक्षित करें। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ 24, होशंगाबाद।